हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं जो ब्लूटूथ है इसका सारा पार्ट बाय पार्ट मैं अलग कर लिया हूँ, क्योंकि इसका बैटरी जो है वो ख़राब हो चुका है। तो बैटरी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ये होता है। तो मैं यहाँ पर 3 पीस बैटरी को रखा हूँ, ये देख सकते हैं, ये सभी ब्लूटूथ के ही बैटरी है। एक बैटरी को रिपेयर करके दिखाऊंगा, इसी तरह से आप इन सारे बैटरी को रिपेयर करें ताकि आपका बैटरी जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। बट ये बैटरी देख सकते हैं कि ये बैटरी भी जो है, और ये बैटरी में कहीं फूला हुआ भी नहीं नज़र आ रहा है, बट इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। मैं इसे आपको मल्टीमीटर से टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ये मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर DC में 20 वोल्ट पर मैं सेट कर लिया हूँ। इसके बाद देखें, ये बैटरी का ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव से टच किया, 0.33 ये पावर इसका बता रहा है। बट ये ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है, बहुत ही लो हो चुका है। क्योंकि अगर आपका बैटरी 3.7 वोल्ट से अगर कम चार्ज है, उसमें आपका ब्लूटूथ जो है वो ऑन नहीं होगा। और इसमें देख सकते हैं कि ये नेगेटिव में बता रहा है, और मैं कनेक्शन जो है वो बिल्कुल सही रखा हूँ। तो ये प्रॉब्लम है कि देख सकते हैं ये काफ़ी डिस्चार्ज हो गया है, ये माइनस में चला गया है। जो कहते हैं कि बैटरी आपका माइनस में चला गया है, सेम यही कंडीशन इस बैटरी में हुआ है। दूसरा जो बैटरी है ये है, अगर आपका बैटरी 3.7 वोल्ट से कम है, उस कंडीशन में आपका ब्लूटूथ ना ऑन होगा ना ही चार्ज होगा, ये कंडीशन आ जाती है। उसमें आप बैटरी की कैपेसिटी एक बार चेक कर लें, अगर 3.7 वोल्ट से ऊपर है तो उसे अलग से एक बार चार्ज करके देख लें। अगर चार्ज होने के बाद वो सही हो जाता है तो आप उसका यूज करें, नहीं तो बैटरी को चेंज कर दें। और ये भी बैटरी जो देख रहे हैं, इसका भी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि ये भी माइनस में आ चुका है। मैं इसका कनेक्शन भी ऑलरेडी सही करके रखा हूँ, बट ये प्रॉब्लम है, ये बैटरी थोड़ा सा कंडीशन में है। तो मैं इसे देखूंगा कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ जाता है जिसके कारण इतने लो पावर दे रहा है। ये बैटरी में यहाँ पर टेप किया हुआ है, तो सबसे पहले मैं इस टेप को यहाँ से रिमूव कर लूंगा। ये टेप को आप पहले रिमूव करके देखें कि यहाँ पर कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा लूज होता है, या फिर यहाँ पर ज़्यादा देख सकते हैं कि ये देखें कि ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं पॉजिटिव का वहाँ पर, और अब देखें यहाँ पर काफ़ी देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का ये हो चुका है। जब मैं इसे इस तरह से करूंगा तो ये देखें कि ये यहाँ से हट रहा है। तो यानी ये इसके ऊपर इस तरह से नमक की एक परत टाइप का जम जाता है। यहाँ कि यहाँ पर जो है ये ज्वाइंट किया हुआ है, और ज्वाइंट के पास ही देख सकते हैं कि ये लीकेज हो चुका है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ चुका है कि इसका ये बैटरी जो है ना ही चार्ज हो रहा है, और इसका कैपेसिटी बहुत ही लो हो चुका है। तो मैं सबसे पहले इसके कनेक्शन को यहाँ पर करूँगा। चलिए इसे मैं बिल्कुल ही क्लीन करता हूँ, हो सकता है क्लीन करने में ये यहाँ से ब्रेक भी हो जाए। कनेक्शन देखें कि यहाँ से जो ब्रेक हो चुका था वो मैं हटा दिया हूँ, और ये वायर को मैं यहाँ से निकाला हूँ। यहीं पर एक वायर का कनेक्शन कर लेना होगा सोल्डर करके। ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसकी जरा सा पावर को टेस्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए, मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी पर सेट कर लिया, 20 वोल्ट पर मैं मल्टीमीटर को अच्छे सेट कर लिया हूँ। और अब देखें इसकी पावर, तो देखें कि इसकी पावर जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ चुका है। जहाँ पर 33 था, ये 59 हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे जरा सा चार्जिंग करके देखूंगा। एक एडोप्टर है जहाँ पर देख सकते हैं 5 वोल्ट DC 0.7 एम्पियर का, इसी से मैं टेस्ट करूंगा ये इसका पॉजिटिव ये इसका नेगेटिव कनेक्शन कर दिया हूँ। इसमें भी मैं लाइन को इन कर लिया हूँ, और इन दोनों को आपस में टच कर रहा हूँ। तो अब वोल्ट देख रहे हैं 5.10 वोल्ट ये DC दे रहा है। चलिए अब मैं इसे बैटरी से कनेक्ट करूंगा। आने के लिए ये देखें, पॉजिटिव के लिए यहाँ पर एक डायोड का यूज करें, जो 4007 का डायोड है। पट्टी जो दिया गया है वो आपका पॉजिटिव देगा आउटपुट। वहां पर आप इस तरह से इसके बैक साइड में पॉजिटिव का कनेक्शन कर लें पहले इस तरह से। ये देखें, मैं यहाँ पर इसे लपेट लिया हूँ, ये बन चुका है। अब इसे बैटरी में आप लगा के चार्जिंग करें, क्योंकि ये बैटरी का कैपेसिटी जो होता है काफ़ी लो होता है। इस सिचुएशन में आप इसे डायरेक्ट देंगे तो बैटरी जो है वो हीट होगा, और हीट होने के बाद वो ब्रेक भी हो सकता है। तो आप देखें, मैं यहाँ पर टच कर दिया हूँ, और ये इसके पावर इन हो रहा है, और कुछ समय तक ऐसे ही मैं टच करके रखूँगा। उसके बाद कैपेसिटी को देखूँगा कि ये चार्ज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो चलिए अब मैं इसे आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर, इससे मैं इसमें कनेक्ट करके रखता हूँ, और अब देखें इसकी कैपेसिटी जो था 5.7, ये देखें 8
वन हो चुका है, यानी कि ये चार्ज लेने लगा है अब ये। चलिए अब मैं इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही इसमें लगा करके रखी, मैं ये बैटरी को थोड़ा समय के लिए इसे मैं चार्जिंग पे लगाया, और अब देखें इसे मैं टेस्टिंग करता हूँ इसकी पावर को। तो ये देखें इसकी कैपेसिटी 1.27 वोल्ट के करीब आ चुका है, यानी कि ये बैटरी जो है वो बिल्कुल सही हो चुका है। अब ये धीरे धीरे चार्जिंग ले लेगा। स्टार्टिंग में आपको कम से कम इसे 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का आपको इसे चार्जिंग लगाना, अलग चार्जर से इसे चार्ज करेंगे ये बिल्कुल सही से चार्ज लेने लगेगा। बैटरी जो है इसे मैंने रिपेयर किया, ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो इसी तरह से मैं इन दोनों बैटरी को भी बिल्कुल सही से रिपेयर कर लूंगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।